चंडीगढ़ में किसानों ने पगड़ी पहनाकर सीएम को किया सम्मानित। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का भी जताया आभार। गन्ने का भाव बढ़ाने पर खिलाया रज्जू। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार पर जमकर बरसी कुमारी शैलजा। कहा, किसानों के होते हुए लाठीचार्ज के खिलाफ है सरकार। अंबाला हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने सेहत में सुधार के बाद फिर लगाया जनता दरबार। बारिश में भी पहुंचे हजारों लोग। और फरीदाबाद में पैरालंपिक विजेताओं के घर पहुंचे परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा। नरवाल और सिंहराज को मिठाई खिलाकर दी बधाई। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का हरियाणा चौपाल में। तो खबरों का रुख करेंगे विस्तार के साथ। बीजेपी किसान मोर्चा के किसान सदस्य शनिवार को चंडीगढ़ पहुंचे और यहां पर उन्होंने बाजरे और गन्ने का रेट बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ को धन्यवाद दिया। किसानों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ को सिरोपा पहनाकर और लड्डू खिलाकर उनका शुक्रिया अदा किया। और इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने यह भी कहा कि कांग्रेस के जो नेता खेती के मामले पर हरियाणा सरकार को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वो पंजाब और राजस्थान में किसानों को हरियाणा के समान फसलों का भाव क्यों नहीं देते। बता दें कि हरियाणा सरकार ने गन्ने के दाम में 12 रुपए की बढ़ोतरी की है और प्रदेश में गन्ने का भाव पहले 350 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसमें सरकार ने 12 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है और 362 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। वहीं किसानों से मुंह मीठा करवाने के बाद सीएम मनोहर लाल खट्टर ने मीडिया से कहा कि केंद्र में मोदी जी की और हरियाणा में किसानों की सरकार है। पहले दिन से ही हमारी सोच है कि किसानों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तभी प्रदेश खुशहाल रहेगा। उन्होंने कहा कि किसानों से ही आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम फसल बुआई से पहले फसलों का MSP देते हैं। हमेशा किसानों के हित में लगातार काम कर रहे हैं, चाहे उनकी फसल कैसे ज़्यादा हो, कैसे उनकी बिक्री हो, प्रोक्योरमेंट ठीक हो, MSP उसको बढ़ाने का काम हर साल, खरीफ की फसलें अलग से, रबी की फसलें अलग से। और उसमें विशेष बात यह है कि फसल के यानी लगाने से पहले, फसल की बुआई से पहले उसका MSP घोषित करना, ये हमारे इस समय में हुआ है। पहले कांग्रेस के समय में तो फसल, जिस फसल का MSP घोषित करते थे, वो फसल बुआई होकर के पक करके मंडियों में आने की स्थिति हो जाती थी, तब जा करके MSP देते थे। किसान के पास कोई चारा नहीं होता था उसको स्वीकार करने के अलावा। हम बुआई से पहले इसलिए देते हैं किसान निर्णय कर सके कि मुझे कौन सी फसल की बुआई करनी है, क्योंकि उसके पास भी एक वैरायटी है, एक स्कोप है, उसको यानी एक प्रकार से विविधीकरण में जाने के लिए उसके पास अवसर है। तो इस नाते से जो गेहूं अभी नवंबर दिसंबर में जाके बुआई होनी है उसका MSP अभी घोषित कर दिया है, तो इस नाते से हमने गन्ने। वहीं हरियाणा में गन्ने के दाम बढ़ाए जाने पर जहां किसानों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताया, वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने खुशी जाहिर करते हुए इस मसले पर पंजाब सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पंजाब में चुनावी चक्कर में रेट बढ़े, जबकि हरियाणा में किसान हित को देखते हुए गन्ने के रेट में बढ़ोतरी की गई है। जब से सरकार बीजेपी की है, 7 वर्षों से गन्ने के रेट को पूरे देश में सबसे ऊपर रखा है। हमारे पड़ोस में पंजाब को देखोगे तो 4 साल पिछले उन्होंने 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया, अब चुनाव के चक्कर में बढ़ाए।
ये चुनावी चक्कर वाला रेट अलग होता है और किसानों को हमेशा अच्छा रेट देना ये अलग भी। बाजरे की खरीद जो होती है 2250 रुपये इस बार होगी। अब कई कांग्रेसी भाई ट्वीट करते हैं और हमारी फोटोएं लगा लगा ट्वीट करते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि राजस्थान के किसान का बाजरा वो 2250 बिकवाएं, नहीं तो यहाँ ट्वीट करना बंद करें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहाँ पे ऐसे नकली ट्वीटों से काम नहीं चलेगा। पहले सरकार ने शुरू से ही जांच की अपनी करा रही थी अधिकारियों से, अब वो न्यायाधीश से जांच कराने का विषय आया है। सरकार हमेशा इस विषय में खुले मन की रही है और किसानों के पक्ष की रही है। क्या दिल्ली जो दिल्ली में धरना चल रहा है उस पे भी आगे बातचीत होगी? सरकार की तरफ से तो हमेशा बातचीत के दरवाजे खुले हैं। किसान जत्थेबंदी जो उस आंदोलन में है, क्योंकि जत्थेबंदियाँ तो यहाँ भी हैं, वो इस बात की जिद छोड़े हैं कि यस और नो वाला जो सेंटेंस है ना, उसकी बजाय जो सुधारों की बात लेके पंजाब से चले थे वो कराएं, वो उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं, दरवाजे हर। और मैं उन कांग्रेसियों की बात नहीं कर रहा जो कैप्टन हरमिंदर को ही केवल लड्डू खिला रहे हैं, वो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं जो उनको लड्डू खिला रहे हैं, ये जो साधारण। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान हुई लाठीचार्ज के लिए पूरी तरह से सरकार को जिम्मेदार ठहराया और साथ ही पेगासस मामले पर भी कुमारी शैलजा ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। इसको बोलते हैं अब उसके बारे में ना तो कहीं कोई चर्चा हुई, लेकिन इतना बड़ा वो पर्दाफाश हुआ था कि सरकार को उसका संज्ञान लेकर आगे कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ऐसे सभी मुद्दों को हमेशा इग्नोर करते हुए ऐसे दिखाते हैं जैसे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं या गंभीर ही। पीछे वाले कह दें तो कर लें शुरू, ठीक है? ओके। आज स्वागत है यहाँ पर, हमारे साथ विपुल महेश्वरी जी हैं जो हमारे लीगल और ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट AICC के सेक्रेटरी हैं। हमारे साथ लाल बहादुर खोवाल जी हैं जो कि हरियाणा लीगल और ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं। हमारे साथ किरण बाला जी हैं, चंद्र मोहन जी हैं, गरेवाल साहब हैं जो हमारे साथी हैं, पंजाब लीगल डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं, रामकिशन जी हैं जो हमारे पूर्व CPS हैं, अजीत यादव जी हैं। आज हमारे लीगल और ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट का ये कार्यक्रम है, पूरा डिपार्टमेंट को रिवैम्प किया गया और हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे ऑफिस बेयरर्स बने हैं, प्रदेश स्तर के हमारे ऑफिस बेयरर्स बने हैं। आज उन सब का ये पहला कार्यक्रम है, पहली मीटिंग है, सबके साथ बातचीत होगी। प्रदेश भर से 90 के करीब हमारे साथी ऑफिस बेयरर्स बने हैं। आज के दिन आप सभी लोग समझ सकते हैं कि लीगल डिपार्टमेंट, ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट की कितनी अहम भूमिका हो गई देश में। प्रदेश में जिस तरह का माहौल है, मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, मीडिया की स्वतंत्रता पर प्रहार हो रहा है, आम नागरिक के
अधिकारों पर हर रोज किसी न किसी तरह से चुनौती आ जाती है। बहुत से मुद्दे हैं जिनको उठाने की जरूरत रहती है। एक और राजनीतिक मुद्दे होते हैं, राजनीतिक लोगों की बात होती है, और दूसरी ओर जो आम नागरिक से संबंधित नाना में जो स्थिति है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जजपा सरकार पूरी तरह से कटघरे में खड़ी है। एक बार नहीं, बार बार लाठी चार्ज हुआ है, हर जिले में जाके लाठी चार्ज करते हैं। इन्होंने ये सारी मूवमेंट की शुरुआत लाठी चार्ज से की थी, सबसे पहले कुरुक्षेत्र में। वहीं अंबाला कैंट के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में लोगों की समस्याएं सुनने के लिए एक बार फिर से गृह मंत्री अनिल विज ने जनता दरबार लगाया, जिसमें प्रदेश भर से हजारों लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे और जनता दरबार में पहुंचे लोग अपनी शिकायत के निवारण को लेकर काफी आश्वस्त भी दिखे। इस दौरान ज्यादातर समस्याएं पुलिस महकमे से संबंधित देखने को मिली। पिछले दिनों विज की तबीयत खराब होने के चलते जनता दरबार को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब गृह मंत्री की सेहत में सुधार के बाद एक बार फिर से जनता दरबार की शुरुआत की गई है। विज भी बारी बारी से लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और ज्यादातर समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया। अमेरिका में 11 सितंबर 2001 को हुए आतंकवादी हमले को आज पूरे 20 साल हो गए हैं, जिस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट किया है। विज ने लिखा कि आज के दिन 9/11 की मानवता पर अमानवतावादियों का क्रूर हमला हुआ था। दोबारा ऐसी घटना ना तो इसके लिए सारे सभ्य समाज को मिलकर अमानवतावादियों का समूल नाश करना जरूरी है। गौरतलब हो कि साल 2001 यानी 20 साल पहले आज ही के दिन अमेरिका आतंकी हमले से दहल उठा था। सितंबर 2001 का दिन अमेरिका के इतिहास में काले दिन के रूप में दर्ज है और इसी दिन दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 2,996 लोगों की जान गई थी। वहीं गोल्ड मेडलिस्ट शूटर मनीष नरवाल और कांस्य और सिल्वर विजेता शूटर सिंगराज को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है और इसी कड़ी में फरीदाबाद में पहुंचे पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट शूटर मनीष नरवाल और कांस्य और सिल्वर विजेता शूटर सिंगराज का जगह जगह पर भव्य स्वागत हुआ। और वहीं आज परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा भी दोनों के घर बारी बारी पहुंचे और उन्हें मिठाई खिलाकर उन्हें बधाई दी। प्रदेश और देश का नाम रोशन करने पर परिवहन मंत्री ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि जहां इन्होंने बल्लभगढ़ का नाम रोशन किया है, वहीं प्रदेश और देश का मान भी बढ़ाया है। बता दें कि भारी बारिश के बावजूद परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा आज बल्लभगढ़ में गोल्ड मेडलिस्ट शूटर मनीष नरवाल और कांस्य और सिल्वर विजेता शूटर सिंगराज के घर पर पहुंचे और परिजनों समेत सभी को शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि आज खेलों में हरियाणा आगे बढ़ रहा है और बल्लभगढ़ के दोनों खिलाड़ियों ने शूटिंग में मेडल जीतकर प्रदेश का नाम ऊंचा किया है। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से खेल नीति के अनुसार मिलने वाली सभी सुविधाएं उन्हें दी जाएंगी। हरियाणा के सपूत मनीष नरवाल ने जो सारे दुनिया में जो परचम फैलाया है, 50 मीटर अपना डिस्टेंस में, तो आज मैं परिवार से मिलने के लिए मनीष नरवाल को हाथ से आए हैं खेल के, और हरियाणा सरकार की तरफ से मैं उनका स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। प्रदेश की जो सरकार की जो नीति और रीति है और जो खेलों को या प्राइवेट हो सरकारी क्षेत्र को बढ़ावा मिला है, इसका परिणाम हरियाणा के ग्रामीण में या छोटे गेमों में या देश और प्रदेश में या दुनिया जो गेम है उसमें इसका आने वाला धीरे धीरे चालू होगा और बच्चों को खेलों को बढ़ावा मिलता है। तो ये क्या है कि सारे जहां देश का नाम हुआ है, अपने ज़िले का नाम हुआ है, वहीं पर विधानसभा में सिल्वर गोल्ड मेडल दोनों हैं। इससे बड़ी खुशी की बात क्या है कि बल्लभ जैसी ऐतिहासिक नगरी में दो दो मेडल आना, ये अपने आप में बहुत बड़ी। सर वैसे तो मैं मंत्री जी से पहले भी बहुत बार मिल चुका हूँ, इन्होंने काफ़ी बार मुझे सम्मानित किया, जैसे नेशनल मेडल आने पर भी, और एक बार ओपन टूर्नामेंट में सबसे पहला गोल्ड मेडल सबसे पहले मंत्री जी ने ही पहनाया था मुझे, और आज ये पहली बार मतलब मैं घर पर आया तो मुझे काफ़ी गर्व महसूस हो रहा, और मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं ऐसे मेडल जीतता रहूँ और मंत्री जी के साथ ऐसे बैठूँगा। युवाओं के लिए कहीं ना कहीं प्रेरणा का स्रोत है, युवाओं के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि युवा खेलों से पीछे हटते जा रहे हैं।
आप कि जिस भी फील्ड में आप हो उसमें मेहनत करो और मेहनत। करनाल में किसानों और सरकार के बीच गतिरोध आखिरकार खत्म हो गया है। दोनों पक्षों ने मिलकर समाधान निकाल लिया और हरियाणा के करनाल में स्थानीय प्रशासन और किसान नेताओं की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह ने बताया कि पूर्व एसडीएम आयुष सिन्हा इस दौरान छुट्टी पर रहेंगे और हरियाणा सरकार मृतक किसान सतीश काजल के दो परिवारजनों को करनाल जिले में डीसी रेट पर सेक्शन पोस्ट पर नौकरी भी देगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह ने कहा कि कल की वार्ता सकारात्मक वातावरण में हुई और आम सहमति से निर्णय हुआ है कि सरकार 28 अगस्त को हुई घटना की हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से न्यायिक जांच करवाएगी और जांच एक महीने में पूरी होगी। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भी इस दौरान बताया कि प्रशासन ने भरोसा दिया है कि किसानों के सिर फोड़ने की बात कहने वाले एसडीएम आयुष सिन्हा को जांच पूरी होने पर छुट्टी पर रखा जाएगा और जांच पूरी होने पर अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। जो हमारी सहमति हुई है दोनों पक्षों में सरकार की तरफ से कृषि नेताओं के बीच में बहुत ही पॉजिटिव माहौल में बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई है और हमारी आम सहमति से ये निर्णय जो हुए हैं उनकी मैं घोषणा आपके सामने कर रहा हूं कि इस सारे प्रकरण में हरियाणा सरकार 28 अगस्त 2021 को बस्ताड़ा टोल पर हुए घटनाक्रम की न्यायिक जांच करेगी करवाएगी और यह जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से करवाई जाएगी एवं जांच यथासंभव एक माह में पूर्ण होगी और पूर्व एसडीएम श्री आयुष सिन्हा जी इस दौरान छुट्टी पर रहेंगे और हरियाणा सरकार मृतक किसान सतीश काजल के दो परिवारजनों को सरकार डीसी रेट पर सैंक्शनड पोस्ट पर नौकरी देगी यहीं पे करनाल डिस्ट्रिक्ट में। तो ये मोटे तौर पे हमारा समझौता हुआ है और इस पर दोनों पक्षों की पूर्ण रूप से सहमति है और बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये समझौता हुआ है, ये मैं आपके सामने आज बताना चाहता हूँ। इसमें एक तो जो हमने एक नौकरी मांगी थी लेकिन कल उसको जो है क्योंकि उसका कंपनसेशन और जो शहीद परिवार है उसकी हम किसी हालत भरपाई नहीं कर सकते, इसलिए हमने उसका तय किया था कि उसकी भरपाई ज़्यादा चाहिए क्योंकि असली नुकसान तो उसी का हुआ है। तो इसलिए कल हमने उसके दो नौकरी मांगी थी जो प्रशासन ने मान ली है, सरकार ने मान ली है और दो लोगों को नौकरी उसके परिवार के दी जाएगी। और ये जो डीसी रेट होता है इस पे दो तरह की पोस्टें होती हैं, एक तो सीधा डीसी रेट पे रख लिया जाए और दूसरा सेंक्शन के अधीन रख लिया जाए। जो सेंक्शन के अधीन रखा जाता है उसकी बाद में पक्के होने की प्रक्रिया होती है, जो दूसरा होता है वो पक्का नहीं होता है। तो सेंक्शन के अधीन दोनों पोस्ट होंगी और ये एक हफ्ते के अंदर अंदर हो जाएगी। बिल्कुल ठीक, एक हफ्ते के अंदर अंदर दोनों को नौकरी उनको मिल जाएगी। हमने बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुख अगली अहम खबरों की ओर कर लेते हैं। हरियाणा के जींद में 25 सितंबर को होने वाली सम्मान दिवस रैली के निमंत्रण को लेकर इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला रोहतक पहुंचे। यहां उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया और प्रदेश सरकार पर जमकर जुबानी तीर भी चलाए। वहीं चौटाला लगातार अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम भी कर रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को यहां तक ये भी कह डाला कि प्रदेश में जिस वक्त एलनाबाद चुनाव होगा उसके बाद से ही सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, सभी पार्टियों के उम्मीदवारों की जमानत जब्त होगी और सरकार के विधायक अपने आप सरकार छोड़कर वापस आ जाएंगे। ऐसे हालात में सरकारें अल्पमत में आएंगी तो मध्यावधि चुनाव भी होंगे। चौटाला ने अपने कार्यकर्ताओं को 25 सितंबर को जींद में होने वाले जननायक देवीलाल की याद में सम्मान दिवस रैली के लिए भी निमंत्रण दिया।
वहीं चरखी दादरी जिला पुलिस की सीआईए स्टाफ टीम ने गांव चांदवास में स्टेडियम के सामने बलोनो कार सवार चार युवकों को अवैध हथियार सहित गिरफ्तार कर लिया है। आरोपितों के पास से पुलिस को 3 देसी पिस्तौल और 5 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज भी कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपित किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कल हमारी सीआईए टीम ने जो चांदवास के स्टेडियम के सामने जो है ये जो चार पांच लोगों को इसमें चार लोगों को गिरफ्तार किया है, इसमें जिनके पास 3 देसी पिस्तौल व 5 जिंदा कारतूस इनसे बरामद हुए हैं। ये किसी वारदात करने के लिए आए थे और बोलेनो गाड़ी भी इसमें कब्जा पुलिस में ली गई है, जिसके तहत जो अभियोग नंबर जो है 223। वहीं अंबाला रोडवेज के जीएम मनीष सहगवाल ने अंबाला कैंट बस स्टैंड का दौरा किया और बस स्टैंड पर बारीकियों से जांच भी की और जांच के बाद जो भी कमियां वहां पर नजर आई उनको ठीक करने के आदेश भी दिए। वहीं उन्होंने अड्डा इंचार्ज को टाइम टाइम पर मीडिया के माध्यम से रोडवेज की हर जानकारी लोगों तक पहुंचाने के भी आदेश दिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि कौन सी बस सेवा कब शुरू हो रही है और कब किस रूट पर किसी बस सेवा को बंद किया जा रहा है। क्योंकि ये बस स्टैंड काफ़ी बड़ा है, यहाँ पर रेलवे जंक्शन से लोग आना जाना करते रहते हैं और पीछे यहाँ पर जो है फाइन भी इम्पोज किया गया है जो भी यहाँ पे कूड़ा करकट फिराते हैं, जिसके मद्देनज़र यहाँ पे स्पेशल टीम भी हम भेजी जाती है और बस अड्डा इंचार्ज को निर्देश दिए जाते हैं इसमें। और यही है क्योंकि अवेयरनेस के लिए यहाँ पे निर्मल ताऊ जो हैं वो अवेयरनेस के लिए भी हमने कैंपेन चलाया था ताकि लोगों में जागरूकता भी की जाए और हमने अवेयरनेस की है, बाद में कुछ फाइन इम्पोज भी किया है। उसके मद्देनज़र जो है आज उतना नहीं मतलब सफाई है यहाँ पर, लेकिन हाँ, लेकिन ये रोज़ का ही हमें एक कंटिन्यूस एफर्ट है, ये ऐसा नहीं कि आज करते। फरीदाबाद के अजरौंदा मेट्रो स्टेशन के पास एक संदिग्ध सूटकेस मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी मिलते ही सीआईएसएफ और पुलिस विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और ब्लास्ट कर सूटकेस को खोला गया। पुलिस के मुताबिक बम निरोधक दस्ते ने ब्लास्ट के बाद इस सूटकेस को खोलकर देखा, जिसमें कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, लेकिन अब पुलिस की नजरें यहां बैग रखकर सनसनी मचाने वाले उन दो युवकों पर है जो बाइक पर आकर यहां बैग रखकर फरार हो गए थे। बताया जा रहा है कि तस्वीरें पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई थी और जिसके आधार पर पुलिस जांच भी कर रही है। ऐसा है कि लावारिस बैग था, कोई छोड़ गया उसको, ये अपना सर्विस रोड पे, वहाँ जो है पब्लिक ने जो है रोड़ा मचा दिया, अपना सीआईएसएफ स्टाफ भी गया वहाँ, हमारे पास ही फोन गया, हम भी आए, एसएचओ सेंटर भी आया और अपने चरखी दादरे के जिले गांव अटेला कला में एक युवक की लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया। दरअसल युवक भेड़ बकरियां चराने का काम करता था और उसके घर पर महिलाओं में आपसी कहासुनी भी हुई थी, जिसके बाद युवक बकरियां चराने के लिए अपने खेतों में चला गया, लेकिन गुस्साए बेटे को पिता जब खेत में बकरियों को संभालने गया तो वहां उसने देखा कि मृतक युवक दर्द से कराह रहा था, जिसको चरखी दादरे के सामान्य अस्पताल में ले जाया गया जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के सामने मृतक की पत्नी सुमन ने शक जाहिर किया कि उनके सगे जेठ ने और उनके पति की मिलकर हत्या की है। बहरहाल पुलिस ने पति की शिकायत पर दो सगे जेठ, जेठ के लड़के और अन्य पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सुंदर सिंह नाम का व्यक्ति जो भेड़ बकरियां चराता है, जो जंगल में चराने के लिए गया हुआ था, जिसको कुछ लड़कों ने, कुछ आदमियों ने उसके साथ मारपीट कर दी, जो चोट की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। उसकी पत्नी सुमन लता की शिकायत पर अभियोग दर्ज किया जा चुका है और उसकी पत्नी ने उसके दो जेठ के लड़कों पर शक जाहिर किया है, या तो उन्होंने मारी है या किसी मरवाई, जांच जारी है। जो अभी जो जिसका दादरी लाया गया मृतक सुंदर सिंह अनुप दरिया सिंह, उसका उनके परिवार का घरेलू मामला था लेडीजों का सुबह कल, उसके बाद में वो घरेलू मामला थोड़ा सा दब गया था, लोगों ने समझा बुला दिया था। उसके बाद में सुबह 11 बजे करीब बकरियां चराता था सुंदर सिंह, बकरियां लेकर खेतों में बकरियां चराने गया था। फिलहाल के लिए हरियाणा चौपाल में मेरे साथ बस इतना ही, आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।